बहुत ही कम खर्चा करके आप यहाँ पर आ सकते हो, मात्र 5 रुपए। भाई रात में जहाँ पर रुके थे ना, वहाँ पर समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। जुहू बीच पर भाई काफ़ी टाइम हो गया, हो सकता है कि ब्राइटनेस थोड़ा सा कम हो, क्योंकि भाई देख रहे हो आगे मौसम ही कुछ ऐसा है। यहाँ से अगर हम ट्रैवल करते हैं तो बस का जो चार्ज है बहुत ही कम। गुड मॉर्निंग गाइज, और अभी हम आ गए भाई सुबह जुहू बीच। और देखो जुहू बीच अगर आप आ रहे हो ना, तो मैं बता दे रहा हूँ भाई बहुत ही कम खर्चा करके आप यहाँ पर आ सकते हो, मात्र 5 रुपए। हाँ भाई, आपको 5 रुपए ही खर्च करना होगा और आप यहाँ जुहू बीच आ जाओगे। ये आप सामने देख सकते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है बस स्टैंड है। ये देखो, ये जो पेड़ बड़ा सा पेड़ है, यहाँ पर एक बस खड़ी है, तो ये एक बस स्टैंड है। और आप अगर जुहू मतलब आना चाहते हो तो आप समझ लो कि आप उतर जाओ अंधेरी में, और अंधेरी से आपको अंधेरी इस साइड से हम लोगों ने पकड़ा था, तो वहाँ से आपको यहाँ आने का 5 रुपए लगेगा जुहू बीच का। और अगर आप जाते हो वर्सोवा बीच तो वहाँ जाने का 6 रुपए। तो ये बहुत ही कम अमाउंट है कि आप उतना अमाउंट खर्च करके भाई आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। ये देखो रामदा प्लाजा पाम ग्रो होटल करके ये सामने हमारे दिख रहा है, और गणपत बप्पा मौर्या का यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, और ये बीच है, ये समुद्र है आगे का। तो चलते हैं आगे का नज़र आपको दिखाता रहूँगा, और आगे का काफ़ी अपडेट आपको देना है, दिखाना भी है। ये देखो, ये आगे का पूरा व्यू जो है ना, ये समुद्र का, ये पूरा समुद्र ही दिख रहा है। तो आगे हम लोग चलते हैं और आगे का ही अपडेट आपको देता हूं। भाई रात में जहाँ पर रुके थे ना, वहाँ पर समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। अभी जिस लोकेशन पर हैं, ये हमारे आगे पूरा, ये पूरा समुद्र ही है। तो बस आगे चलेंगे, बैठेंगे, थोड़ा सा चील करेंगे, क्योंकि अभी भाई, और यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो ट्रेनिंग वगैरह के लिए एनएसजी कमांडो वगैरह उस टाइप में आते हैं लोग, वो लोग भी आए हुए हैं। तो आगे का बैठकर आराम से रिलैक्स करते, बैठ के आगे का व्यू आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इन्जॉय करेंगे भाई। और यहाँ का पता नहीं क्या फेमस है यार खाने वाला, तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा पूरा। भाई एकदम किनारे पर हैं और पानी हमारे पास तक, यहाँ देखो थोड़ा सा समुद्र की लहरें का भी मज़ा ले लो। और ये पानी यहाँ पर आ गया, और देखो हालांकि अभी मॉर्निंग टाइम है, इसलिए हम लोग बीच पर यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आके रिलैक्स कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन इन दैट केस अगर आप 12 बजे के बाद आते हो या फिर इवनिंग टाइम में आते हो, तो यहाँ पर पूरा भाई पुलिस वाले लगे रहेंगे, आप कहीं जा नहीं सकते हो। कहीं जाने का मतलब कि आप इस बीच पर नहीं आ सकते हो, ना जुहू बीच पर, और इधर सारे के सारे बीच भाई बंद रहते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर गणपति विसर्जन चल रहा है, तो सबका सब बंद रहता है। तो अगर आपको इधर आना है तो आप मॉर्निंग टाइम में यहाँ पर आकर इन्जॉय कर सकते हो। और ये देखो भाई, पूरा बैक पानी जा रहा है, आपको पता है समुद्र की लहरें ऐसे ही आती हैं, कभी एकदम बैक में बहुत तेज जाएंगी, फिर एकदम सामने से ही बहुत आगे आ जाती हैं। तो आप इसे इन्जॉय कर सकते हो, ये देखो। और मैं थोड़ा सा टाइम लैप्स लगा देता हूँ, जो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अभी देखो धूप बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी सवेरा है, 7:30-8 बज रहे हैं, और हमने जर्नी अपना स्टार्ट कर दिया आज के दिन का। और यहाँ का जो सबसे फेमस चीज़ था कि जुहू बीच, ये फेमस था, लोग बोलते भाई मुंबई में आए और जुहू बीच घूमने नहीं आए, तो फिर कहाँ आए यार। तो ये आगे का पूरा सीन देख ही रहे हो, तो इसलिए हमने भी सोचा कि भाई अगर हम जुहू बीच आ रहे हैं, तो यहाँ पर आने का मतलब भाई अब हम जुहू बीच ना आए, मतलब मुंबई में आए और जुहू बीच ना आए, तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने सोचा कि चलो अब यहाँ पर थोड़ी देर, आधे एक घंटे के आसपास यहाँ बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे, उसके बाद यहाँ से आगे जाएंगे, तो जो भी है वो पूरा अपडेट आपको देता रहूँगा। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके, ठीक है ना। यहाँ का ये देखो पानी बढ़ता ही जा रहा है भाई, पूरा पानी आ रहा है, अभी बढ़ रहा है पूरा। अभी मैं उधर खड़ा था, अभी उधर से इधर वापस आ गया हूँ, क्योंकि पानी पूरा बढ़ता जा रहा है। बीच पर बैठे बैठे भाई बहुत ही टाइम हो गया हम लोग को, 1/2 आवर से ऊपर हो गया। और यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ गेमिंग का प्रोग्राम, मतलब कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स जैसा खेलते हैं ना, उस टाइप में खेल रहे हैं लोग। और यहाँ पर हर जगह भाई, मतलब कि यहाँ पर जैसे लोग, आपने सुना होगा कि जुहू चौपाटी के आसपास बहुत सारे सेलिब्रिटी का घर है, तो ये सच है भाई। आपको यहाँ से ये जो रूट दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ से ये पूरा एंडिंग वहाँ तक, ये पूरा इस रूट के आसपास में ही बहुत सारे सेलिब्रिटी लोगों का घर है। तो स्टिल अगर आप इधर घूमने आना चाहो तो आराम से आओ, रेत पर बैठ के मज़े लो। और हालांकि देखो अब नीचे तो हम लोगों ने भी कुछ डाला नहीं है,
तो आप भी अगर यहाँ आते हो तो भाई आओ, रेत का यहाँ पर रेत पर आराम से बैठ जाओ और ये तुरंत भाई हाथ साफ हो जाते हैं, या फिर बैठोगे ना कपड़े वगैरह तुरंत साफ हो जाते हैं। ये धूल मिट्टी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा लग गया तो छूटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर तो मुझे काफ़ी मज़ा आया, और यहाँ का कोई एक चीज़ फेमस है छोले भटूरे करके, या फिर पता नहीं क्या यार, यहाँ पर मैंने सुना था तो पता करते हैं और यहाँ पर फिर हम उसको खाते हैं, उसके बाद यहाँ से जुहू से निकलेंगे। जुहू बीच पर भाई काफ़ी टाइम हो गया, हो सकता है कि ब्राइटनेस थोड़ा सा कम हो, क्योंकि भाई देख रहे हो आगे मौसम ही कुछ ऐसा है ना, लेकिन बादल वगैरह सब लाजवाब एकदम दिख रहे हैं देखो। और जैसे कि पता है आपको कि हम लोग हैं जुहू बीच पर, तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ बाहर के साइड और आपको अपडेट देता हूँ अभी। भाई मज़ा आ रहा है, कुछ भी हो भाई यहाँ पर बीच पर आप आओ आराम से बैठो एक आध घंटे। ये देख रहे हो मेरा सूज वगैरह सब पूरा ख़राब हो गया है भाई, पूरा सूज ख़राब हो गया है क्योंकि अचानक से पानी आ गया, मेरा पानी में ही पूरा सूज चला गया, पूरा एकदम मिट्टी और ये रेत वगैरह पूरा लगी पड़ी है। और यहाँ पर देख रहे हो पूरा सबका सब ये रखा गया है, और यहाँ पर गणपति विसर्जन की वजह से अभी 12 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं कर सकता है। भाई हम यहाँ से बाहर आ गए जुहू बीच से, ये देख रहे हो जुहू बीच से पूरा हम एग्जिट कर रहे हैं, और ये है आई लव मुंबई पुलिस, जो मैं जब एंट्री किया था तभी दिखाया था। और हम लोग जा रहे हैं बस स्टॉप, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ से अगर हम ट्रैवल करते हैं तो बस का जो चार्ज है बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही कम से कम बजट हम लोग बहुत ही लंबा ट्रिप कर सकते हैं। इन ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो हर जगह बस का ट्रांसपोर्ट जो है ना सबसे सस्ता है। तो अगर आप ट्रैवल करते हो कहीं भी तो आप ज़्यादातर जो है ना यहाँ की जो गवर्नमेंट वाली बसेस होती है वो बस का हेल्प लो, क्योंकि बस की हेल्प की वजह से आप बहुत ही कम पैसों में ट्रैवल कर पाओगे। ये देख रहे हो, तो बस अभी ये जुहू बीच का ब्लॉग मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ, और भी कोई भी चीज़ें रह जाती है तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही जल्द कंटिन्यू करने वाला हूँ, अभी देखते हैं कि मेरा प्लान बन रहा है यहाँ पर एक छोटा कश्मीर है मुंबई में, तो छोटा कश्मीर चलेंगे और वहाँ का अपडेट भाई वहाँ पर काफ़ी मज़ा आने वाला है छोटा कश्मीर, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट वीडियो आने का वेट करो। छोटा कश्मीर या वर्सोवा बीच एंड और भी कई सारी जगह हैं, मड आइलैंड देखते हैं कहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले छोटा कश्मीर जाते हैं, मड आइलैंड जाते हैं या फिर वर्सोवा बीच, जहाँ भी जाएंगे सब अपडेट आपको देते रहेंगे, ओके ठीक है। इस वीडियो को फिलहाल हम यहीं पर फिनिश करते हैं।